6-7 नवंबर को गांधी दर्शन राजघाट नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा मेगा मिलेट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस आयोजन का थीम पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन के लिए मिलेट्स के उपयोग विषय पर आधारित है। इस आयोजन के स्वागत सत्र के दौरान राज्यसभा के पूर्व सांसद व अवसर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. आर के सिन्हा द्वारा स्वागत भाषण, डॉ. खडेर वाई द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का परिचय, गांधी दर्शन के उपाध्यक्ष विजय गोयल और IGNCA की सचिव सदस्य डॉ. सचिदानंद जोशी द्वारा भाषण, मुख्य उत्तोधन उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा अध्यक्षीय भाषण, IGNCA के अध्यक्ष राम बहादुर राय और आभार ज्ञापन कालकासा डिवीजन के प्रमुख प्रोफेसर डॉ. सुधीर लैल द्वारा दिया गया। पहले दिन के सत्र में इंडस्ट्रियल फूड, दूसरे सत्र में ग्लूकोज असंतुलन, तीसरे सत्र में बाजरा क्यों, धान और गेहूं क्यों नहीं, चौथे सत्र में बाजरे के साथ खाना खाते समय जानने योग्य बातें, दूसरे दिन पांचवें सत्र में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी पारंपरिक कथाओं का पुनरुद्धार, छठवें सत्र में रिफाइंड ऑयल कैंसर का कारक, सातवें सत्र में अम्बाली माइक्रोबियल संतुलन, आठवें सत्र में दूध हार्मोनल बैलेंस, नौवें सत्र में मिलेट के साथ स्वादिष्ट भोजन बनाना, दसवें सत्र में संरक्षित जल गुड़ मिठाई, अंतिम दिन ग्यारहवें सत्र में बाजरा क्या है, बारहवें सत्र में पर्यावरण पहलू, मिट्टी नदी और वायु संरक्षण, तेरहवें सत्र में जैव विविधता और ग्लोबल वार्मिंग, चौदहवें सत्र में खाद्य संप्रभुता और पंद्रहवें सत्र में बाजरा के माध्यम से ग्राम स्वराज आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी। अंतिम दिन समापन सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल, भारत सरकार के पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला गणमान्य अतिथियों द्वारा संबोधन और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आज हमारे आर के सिन्हा साहब के नेतृत्व में जो मिलेट का ये 3 दिन का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये वास्तव में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को मिलेट ईयर के लिए डिक्लेयर किया हुआ है और इस तरीके के कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। दिल्ली का ये कार्यक्रम वास्तव में अद्भुत है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर अली जो मिलेट के महानायक कहे जाते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो 3 दिन यहाँ पर इस कार्यक्रम को लीड करेंगे। मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि इसको अपनाएं, जंक फूड्स को थोड़ा कम करें, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आज ज़रूरत है हमें हमारी उन पुरानी परंपराओं पर दोबारा पीछे जाने की जिन्हें हमने छोड़ दिया है। ये 3 दिन का कार्यक्रम मुझे यकीन है कि दिल्ली वालों को बहुत भाएगा और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। बाहर धारणा थी कि उत्तर प्रदेश में मिलेट्स श्रीअन्न की खेती नहीं होती है, यद्यपि हमारे राज्य के भीतर 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के भीतर ज्वार और बाजरे की खेती होती है और हम लोगों ने 8-8.5 लाख से बढ़ाकर के उसको 10 लाख पर कराया है। हम किसान भाइयों को उसके लिए 50% सब्सिडी पर उनको 20 सुलभ कराते हैं। अभी हमने जो माइनर मिलेट्स हैं सीएन कई सामा कोदो टांगन मड़ुआ उसको उत्तर प्रदेश फी अन्न पुनरोद्धार योजना 2023 के अंतर्गत हम लोगों ने अगले 4 वर्ष के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम और रूपरेखा रणनीति तैयार की है और उसके माध्यम से इस साल हमने 50,000 से ज़्यादा किसानों को जो माइनर मिलेट्स हैं उनका हमने सीएन के उनको सामा कोदो टांगन मड़ुआ के 20 सुलभ कराए और किसान भाइयों ने बहुत अच्छे प्रकार से खेती की है। हम लोग उसके MSP पर खरीद का की व्यवस्था भी कर रहे हैं, साथ साथ में उसकी कैसे उसको तैयार किया जाए उसके लिए प्रोसेसिंग सेंटर हम विभिन्न स्थानों पर अपने कृषि विज्ञान केंद्रों पर और FPOs के यहाँ हम उनको विकसित कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। आज मिलेट जो कितनी जरूरत हो गई है, जिस तरीके से वातावरण है वहाँ और किस तरह से समाज में जो फैला हुआ है खाने का, उसके लिए मिलेट कितना सहयोग करता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2020 में हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मिलेट पर काम करो और मिलेट ईयर भी घोषित करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी घोषित हो जाए।
बचपन से तो हम लोग खाते रहे इसको, लेकिन जब उनका आदेश हुआ हमने इस पे अनुसंधान करना शुरू किया, तो सबसे पहला अनुसंधान मैंने किया अपने ऊपर। हमने मिलेट खाना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि इतनी अच्छी ऊर्जा और शक्ति मिलेट में है हमको पता ही नहीं था। तो मिलेट ही भोजन है, गेहूं, चावल, चीनी और अशुद्ध दूध, जो हार्मोन इंजेक्शन वाला दूध है, ये जहर है। इसी के वजह से सारी बीमारियां हैं, सारी बीमारियों का ये जड़ है। क्योंकि मैं समाज में काम करने के वजह से इतना अव्यवस्थित अनियमित जीवन हम लोगों का रहता था कि जहां मिला कुछ भी खा लिया, कहीं दो समोसा खा लिया, कहीं पकोड़े खा लिए, कहीं रसगुल्ले खा लिए, और उससे स्वास्थ्य हम लोगों ने बिगाड़ा। युवाओं के लिए मिलेट कितना प्रेरित हो सकता है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए आज के कार्यक्रम का, आज के जो आज के जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से ये दिवाली मिलेट वाली निश्चित रूप से सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, अन्न प्रदूषण है, और तमाम तरह के जो पश्चिमी कल्चर से प्रभावित पिज्जा, हॉट डॉग, नूडल्स और तमाम प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थ आ गए जो पौष्टिक नहीं है, जो युवा वर्ग को बर्बाद कर रहा है और उनको शारीरिक रूप से कमजोर बना रहा है। जरूरी है कि हम देसी, अपने स्वदेशी जो भोजन है उसको हम प्राप्त करें, और इसीलिए हमारे जो देसी मोटे अनाज है उसके लिए हमारी देश की सरकार भी कई बार बोल चुकी है, वो बहुत जरूरी है। हमारे आर के सिन्हा जी ने जिसे बताया कि मोटे अनाज को पैदा करने में ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको लगाओ और तुरंत उसके बाद उत्पन्न होता है और उसको वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। आज के जो कार्यक्रम है 3 दिवसीय, उसके बारे में बताइए कि कैसे इसकी प्लानिंग की गई, शुरुआत कैसे है, क्या इसकी प्लानिंग इस तरह से हुई कि चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है 2023, तो इसके लिए ऐसा सोचा गया संस्कृति मंत्रालय में कि सभी मंत्रालयों ने इसके लिए कुछ ना कुछ किया है, तो संस्कृति मंत्रालय को भी इसमें कुछ करना चाहिए। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जो संस्कृति मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण शाखा है, उसमें इसका प्रकल्पन हुआ और उसके बाद ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला, प्रदर्शनी और इस मेले का आयोजन किया गया है। 3 दिन में कौन कौन लोग आएंगे यहाँ पे, जैसे आज राज्यपाल जी के द्वारा उद्घाटन हुआ जी, और इस आयोजन में एक तो लोक कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जो शाम को सांस्कृतिक परफॉर्मेंसेस देंगे। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से सब लोग आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों से निवेदन है उसमें रहिएगा, तो कल्चरल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। सर सबसे पहले अपना परिचय देंगे और आज के कार्यक्रम के लिए क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं प्रताप आनंद झा हूँ और मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में निदेशक हूँ कल्चरल इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन का, जो हम टेक्नोलॉजी के साथ कल्चर को इंटीग्रेट करते हैं। ये जो प्रोग्राम है आज का, ये बहुत ही आवश्यक प्रोग्राम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हमारा फूड हैबिट्स है वो काफ़ी चेंज हो गया है जी। आज के डेट में हम जंक फूड्स वगैरह काफ़ी नए बच्चे जो हैं उसके ऊपर में अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो हमारी अपनी ट्रेडिशनल फूड थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है हमारी प्लेट से, उसको किस तरह से हम लोग वापस लाएँ, इसी के ऊपर में ये आयोजन है 3 दिन का। और इसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को ये पता चले कि किस तरह से जो जंक फूड्स हैं जिससे कि हम आज के डेट में काफ़ी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उसको अगर हटा करके हम अपने मिलेट फूड्स को लें जो साइंटिफिकली इतने हजारों साल से हमारे देश में प्रचलन में था, उसको अगर वापस लाते हैं तो किस तरह से हम आने वाले नई नई बीमारियों से अपने आप को बचा के रख सके। मिलेट्स को दोबारा से कैसे हम संस्कृति जोड़ सकते हैं, अपनी अपनी विरासत से कैसे जोड़ सकते हैं? संस्कृत से जुड़ा ही हुआ है, आपके पर्वों में इसका आज भी यूज हो रहा है, तो संस्कृत से कभी कटा नहीं। सवाल यह है कि हमारे प्लेट से कट गया, तो वो हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत तो अविच्छिन्न है, वो अभी भी चलता आ रहा है।